Om Namah Shivaya students, previous class I had completed the explanation of Purna Vakyena Uttarat. Now I will start textual grammar. First let us do Prashna Nirmanam Kuruta. Form the question. Now you have to copy the sentence first. Ka Pura Mahatapa Nama Muni Asit. You have to copy the sentence, then underline the word and form the sentence Pura Kim Nama Muni Asit. Then put the question mark. In this way, do the rest one. Kha Rikhas Upari Balaka Asit. Kassa Upari Balaka Asit. Krudha Muni Ga. क्रुद्धमुनि बलाकाम अपस्सत क्रुद्धमुनि काम अपस्सत पुट क्वेश्चन मार्क घ मुनि ब्राह्मण गृहं गत्वा भिक्षाम अयाचत मुनि कुत्र गत्वा भिक्षाम अयाचत पुट क्वेश्चन मार्क अंग ब्राह्मणी भर्तृपरिचर्यां करोति स्म ब्राह्मणी कस्य परिचर्यां करोति स्म पुट क्वेश्चन मार्क च नाहं बलाका इति ब्राह्मणया कथितम् नाहं बलाका इति कया कथितम् पुट क्वेश्चन मार्क च धर्मवैद माता पित्रो भक्त आसीत् धर्मवैद कयो भक्त आसीत् पुट क्वेश्चन मार्क अहंकारेण ज्ञानं नश्यति केन ज्ञानम नश्यति पुट क्वेश्चन मार्क स मुनि तप प्रभावात अहंकारम अपागत स मुनि तप प्रभावात अहंकारम उपगत स मुनि कस्मात अहंकारम उपगत पुट क्वेश्चन मार्क लास्ट वन अंग मुने न अहम बलाका इति क्लियर मुने न अहम का इति पुट क्वेश्चन क्लियर सो स्टूडेंट्स आई हैव कंप्लीटेड द एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रश्न निर्माणम कुरुत सो लर्न इट बाय हार्ट एंड राइट इट डाउन इन योर संस्कृत कॉपी Next class, I will move on to the rest portion of this exercise. Learn and prepare your lesson and complete your writing in your Sanskrit copy. Om Namah Shivaya.